नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूँ सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर 22nd of March 2021 के बारे में। 22nd of March 2021 कैसा रहेगा ये दिन आपके लिए, क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, क्या करने से बचना है और साथ ही साथ क्या अचूक उपाय करना है, इन सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना हो, कोई परेशानी आपको ना हो और किसी भी तरह से आपको कोई चीज़ मिस ना हो जाए। चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या चीज़ आपको करनी चाहिए जिससे कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा जाए। 22nd of March 2021 सबसे पहला नंबर जो हमारे पास आता है वो आता है नंबर 4, 2+2 नंबर 4। कंबाइन कैलकुलेशन जब हम करेंगे दोस्तों यहाँ पर तो 4, 5, 6, 7, 7+5, 12, 2+1 यहाँ पर आता है नंबर 3 विच इज जुपिटर। दिन कौन सा है आपका? दिन है आपका सोमवार का दिन। मंडे 22nd of March 2021 आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव दिन यहाँ पर जाने वाला है। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव दिन का मतलब क्या हो गया कि दिन आपको कहीं ना कहीं हर तरह से एक लेवल अप जाने में आपकी मदद करेगा। ये दिन आपको कहीं ना कहीं आने वाले समय में मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ से आपको रूबरू कराएगा। आपको पता चलेगा कि आने वाले समय में आपको कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। एक तरह से आपको फ्यूचर की एक पिक्चर दिखाने का ये काम ज़रूर कर सकता है। ऐसे चांसेस यहाँ पर बिल्कुल बनते हैं। अब पिक्चर अच्छी है या पिक्चर ख़राब है वो तो आपके समय पर डिपेंड करता है, वो आपके कर्म पर डिपेंड करता है। बट जहाँ तक मेरा कैलकुलेशन कहता है कि ज़्यादातर लोगों की पिक्चर जो है वो अच्छी ही जाने वाली है, तो इसीलिए उन्हें आज के दिन में यहाँ पर अच्छा ही अनुभव होता हुआ दिखेगा। तो इसीलिए 22nd of March 2021 आप सभी के लिए एक इफेक्टिव और एक बहुत ही ज़्यादा शानदार दिन यहाँ पर जाता हुआ दिखाई देगा। हालांकि मन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव ज़रूर रहेगा, दिमाग में थोड़ी सी खलबली ज़रूर रहेगी, परंतु यहाँ पर आप देखिएगा कि बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से आप इस दिन को स्टेबल कर देंगे और इस दिन को बहुत ही अच्छा तरीके से आप जीने की कोशिश करेंगे। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि इस दिन को आप किस लेवल से लेते हैं, किस लेवल पे आप इस दिन को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। बट दिन यहाँ पर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है और आप सभी को चाहिए कि बस इस दिन को शांतिपूर्ण तरीके से प्रवेश करें और पूरा दिन स्पेंड करें और पूरे दिन में निकल जाएं। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़, कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पर ज़रूर मिल सकती है। तो इसमें आपको क्या करना है, अपनी उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको थोड़ा सा स्टेबल होके और दो बार सोच के डिसीजन लेने की कोशिश करनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है और अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल भी जाती है तो भी एक दिन का वेट लें, उन्हें बोलिए मैं आपको रिप्लाई करूंगा और उसके बाद सोच समझ के आराम से रिप्लाई दीजिए। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आने के चांसेस यहाँ पर ज़रूर बनते हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा चीज़ें आपके, एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर आने की चांसेस बनते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस में आप कैसे अपनी चीज़ों को अच्छा करेंगे ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो आपको दो चीज़ें करने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़, आपको किसी के बहकावे में आके कोई काम नहीं करना है। जो भी काम करना है आपको अपने लेवल पे, अपने दम पे, अपनी सोच से काम करने की कोशिश करनी है, क्योंकि ऐसा भी होगा कि लोग आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे आज के दिन, तो वहाँ पर इसीलिए किसी के बहकावे में आपको नहीं आना है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है दोस्तों, दूसरा आपको स्टेबिलिटी के साथ और पेशेंस के साथ सोच समझ के डिसीजन लेना है और अपने काम को करना है ताकि कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको ना हो। देश और विदेश में भी अगर बात करें दोस्तों तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें निकल के बाहर आने वाली हैं। जी हाँ, कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं, कोई बड़ी न्यूज़ निकल के बाहर आ सकती है, कोई बड़ी चेतावनी बाहर आ सकती है, कोई बड़ा इंसिडेंट बाहर आ सकता है। जी हाँ, ये चांसेस यहाँ पर बहुत क्लियरली यहाँ पर दिखाई देते हैं कि समथिंग बिग इज़ गोइंग टू हैपन एंड वी विल सी द पिक्चर ऑफ दैट बिग इंसिडेंट। ऐसे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। हो सकता है कोई किसी पे एलिगेशन लगा ले, कोई किसी का पुराना कोई मुद्दा निकाल के लेके आ जाए, बट समथिंग इज गोइंग टू कम अप। ये चांसेस बिल्कुल यहाँ पर क्लियरली दिखाई देते हैं। लेट्स सी कि क्या निकल के आता है, और बट जो भी होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर देश और दुनिया में मैं पूरी कोशिश उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो वातावरण रहेगा वो सभी जगह शांति प्रिय रहेगा, कहीं पर भी बहुत ज़्यादा दंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कतें, परेशानियाँ नहीं होंगी। बट फिर भी एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि धर्म के नाम पर मुद्दे बनाने का जो एक सिलसिला है वो यहाँ से एक रफ्तार पकड़ सकता है। ऐसे चांसेस यहाँ पर बनते हैं। अगर आप सभी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहिएगा, इन चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व मत करिएगा। यहाँ पर राशियों के हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों तो मेष राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि,
और मकर राशि वालों को थोड़ा सा सावधान रहने की यहाँ पर ज़रूरत है। जितना आराम से दिन निकालेंगे उतना आप सभी के लिए अच्छा रहेगा। ओवर अग्रेसिव हो गए, ओवर एक्साइटेड हो गए, आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नंबर्स की अगर बात कर लें दोस्तों, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 7, इन सभी को थोड़ा सा ध्यान रखने की यहाँ पर ज़रूरत है, ताकि जाने अनजाने कोई गलती ये आप ना कर बैठे। अल्फाबेट्स की अगर बात कर लें दोस्तों यहाँ पर, तो अल्फाबेट्स में आप देखिएगा ए अल्फ़ाबेट, सी अल्फ़ाबेट, एच अल्फ़ाबेट, एम अल्फ़ाबेट, आर अल्फ़ाबेट, एस अल्फ़ाबेट, इन सभी को थोड़ा सा ध्यान रखने की यहाँ पर ज़रूरत है, ताकि कोई गलती कोई परेशानी यहाँ पर ना हो। आइए चलिए बात करते हैं उपाय के बारे में, कि आपको क्या अचूक उपाय करना है जिससे कि ये समय आपका अच्छा जाए, ये दिन आपका अच्छा जाए और किसी भी तरह से कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको ना हो और आप इस दिन को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकें। उपाय बताने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, कि जो भी उपाय मैं आपको बताता हूँ ये आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, इन उपायों में कुछ भी नेगेटिव होने के चांसेस यहाँ पर नहीं के बराबर होते हैं और मेरे उपाय बिल्कुल बिल्कुल वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आधारित होते हैं, तंत्र और टोटकों से इनका कोई संबंध नहीं होता, इसलिए इन उपायों का पूरी तरह से पॉजिटिव होकर आप कर सकते हैं और इनके रिजल्ट भी अच्छे ही मिलेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को अच्छे रिजल्ट मिले हैं और उन सभी ने अपने अपने कमेंट्स लिख के मुझे दिए हैं। अगर आपको भी कोई अच्छा रिजल्ट मिला है तो आप भी अपने अपने जो भी आपको उपाय के रिजल्ट्स मिले हैं उनको लिख के मुझे भेज सकते हैं, ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि उपाय से ये फायदा यहां पर होता है। आपको मंडे के दिन क्या उपाय करने हैं जानने की कोशिश करते हैं। सोमवार के दिन सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी पानी से आप स्नान कर रहे हैं उस पानी में आप चंदन जरूर मिलाइएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। जिस भी पानी से आप स्नान करते हैं उस पानी में आप चंदन जरूर मिलाइएगा और चंदन से स्नान जरूर करिएगा। जी हाँ, अगर चंदन अवेलेबल तो चंदन, चंदन का इत्र अगर अवेलेबल है तो चंदन के इत्र को भी आप मिला सकते हैं। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको अपने सीधे हाथ की तीसरी उंगली, सीधे हाथ की तीसरी उंगली जो रिंग फिंगर जिसको हम बोलते हैं, उससे अपने माथे पर चंदन का टीका लगाना है, ये बात ध्यान रखिएगा, तीसरी उंगली से अपने माथे पर चंदन का टीका लगाना है और तीसरी उंगली पर भी आपको पूरी उंगली पर यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पूरी उंगली पर आपको क्या करना है, चंदन लगाना है। बड़ा सिंपल सा उपाय है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। अब आप सोचेंगे कि इसका फ़ायदा क्या मिलेगा, तो वो फ़ायदा आप देखिएगा, फ़ायदा आपके साथ चल कर आएगा, बट आपको ये उपाय करना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, चांदी की चेन अगर आप पहन लें या चांदी का कोई भी आभूषण आप पहन लें आज के दिन, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ रहेगा, चाहे आप रिंग पहन लें, चाहे आप ब्रेसलेट पहन लें, चाहे आप कड़ा पहन लें, चाहे आप चेन पहन लें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको और क्या करना है, बाहर अगर जाते हैं किसी भी अर्जेंट काम के लिए, किसी भी इमरजेंसी के लिए, तो आप ब्लू कलर को यूज़ कर सकते हैं, आप येलो कलर को यूज़ कर सकते हैं, लाइट पिंक कलर भी अगर आप आज यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ पर देता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल ये बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं जो कि आपको करने हैं, जिससे कि आपको फ़ायदा अच्छे लेवल पर मिल जाएगा। एक और महत्वपूर्ण उपाय, पूरे दिन में जब भी पानी पीजिएगा, पानी का जो पात्र है उसमें एक तुलसी का पत्ता मिला लीजिएगा और उस तुलसी के पत्ते का पानी आप पूरे दिन पीजिएगा, यह आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।